नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो क्वालिफायर मुकाबला होने वाला है, क्वालिफायर वन दिल्ली बनाम चेन्नई, क्या रहेगी दोनों टीम्स की पॉसिबल प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट और भाई क्या रहेगी हमारी एमपीएल पर आज की टीम, आप लोग किस तरीके से बना सकते हो, सब कुछ जो है आपको इस वीडियो में मालूम पड़ेगा। वीडियो को जो है पूरा लास्ट तक देखिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सबसे पहले भाई यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कुछ न्यूज़ की। देखिए दोस्तों, अभी तक जो है ना दिल्ली के लिए मार्कस स्टोइनिस खेलते हुए दिखाई नहीं दिए, लेकिन हो सकता है कि स्टोइनिस आज के मुकाबले में खेले। अगर स्टोइनिस खेलते हैं तब जो रिपन पटेल है भाई उनके बदले स्टोइनिस आएंगे, क्योंकि भाई जो दिल्ली की टीम है ना वो फिलहाल सिर्फ 3 विदेशी प्लेयर से खेल रही है। चौथा अगर स्टोइनिस खेलते हैं तब वो रिपन पटेल के बदले आएंगे प्लेइंग 11 में, या तो फिर जो है दिल्ली की टीम सेम प्लेइंग 11 खिलाएगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली की, क्या होने वाली है प्लेइंग 11 आज के मैच में। ओपनिंग करेंगे पृथ्वी शॉ और शिखर धवन, नंबर 3 पे श्रेयस अय्यर, नंबर 4 पे ऋषभ पंत, नंबर 5 पे हिटमैर, नंबर 6 पे रिपन पटेल, नंबर 7 पे अक्षर पटेल, नंबर 8 पे अश्विन, नंबर 9 पे रबाड़ा, नंबर 10 पे एंड्रेस नौकिया और नंबर 11 पे जो है आवेश खान हमको खेलते हुए दिखाई देंगे इस मैच में। दोस्तों बात करते हैं हम लोग चेन्नई की, क्या होने वाली है प्लेइंग 11। देखिए भाई, चेन्नई की टीम शायद से बदलाव ना करे, बस एक चीज में दिखता है सुरेश रैना। रैना जो है फिलहाल क्वालिफायर से पहले जो है नेट्स में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हो सकता है कि रैना आज के मुकाबले में खेलते हुए दिखाई दे रॉबिन उथप्पा के बदले में। तो क्या हो सकती है प्लेइंग 11, चलिए देख लेते हैं। ओपनिंग करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ और फैफ डुप्लेसिस, नंबर 3 पे जो है सुरेश रैना या तो फिर रॉबिन उथप्पा खेलते हुए दिखेंगे, नंबर 4 पे मोइन अली, नंबर 5 पे अंबती रायडू, नंबर 6 पे धोनी, नंबर 7 पे जडेजा, नंबर 8 पे ब्रावो, नंबर 9 पे शार्दुल ठाकुर, नंबर 10 पे दीपक चहर और नंबर 11 पे जो है जॉस हेजलवुड हमको खेलते हुए दिखेंगे। ये हो सकती है दोनों टीम्स की पॉसिबल प्लेइंग 11। बात करते हैं पिच रिपोर्ट। देखिए भाई, पिच जो है ना दुबई के मतलब स्टेडियम में होने वाला है और दुबई का जो पिच है भाई वो बैटिंग फ्रेंडली है, तो हो सकता है आज के मुकाबले में हमको थोड़े अच्छे खासे रन्स बरस के होते हुए दिख सकते हैं। तो आप लोग जो है ना अपने टीम से मतलब कि देखिएगा कि अच्छे खासे बैट्समैन को पिक कीजिए आज के मैच में। दोस्तों क्या आप सभी को पता है कि आप लोग जो है ना एमपीएल पे 99 टीम्स बना के खेल सकते हो। भाई एमपीएल एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको इतने सारे टीम्स बनाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। मैं जो भाई यहाँ पे रोजाना 20 से लेकर 30 टीम हर एक मैच में बनाता हूँ और अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न कर रहा हूँ। चलिए अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ मेरी आज की मैच की क्या टीम रहने वाली है दिल्ली बनाम चेन्नई। आप लोग यहाँ जो है साइड पे देख सकते हो, मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने जो भाई विकेट कीपिंग में ऋषभ पंत को लिया है, बल्लेबाजों में जो है फैफ डुप्लेसिस, गायकवाड़, श्रेयस अय्यर और पृथ्वी शॉ, मैंने जो है ये 4 बल्लेबाज लिए हैं। बात करते हैं यहाँ पे हम लोग ऑलराउंडर्स की, तो जडेजा, ब्रावो और अक्षर पटेल, ये 3 मैंने लिए हैं। गेंदबाजों में जो है ना शार्दुल ठाकुर, आवेश खान और एंड्रीज नौकिया, मैंने ये गेंदबाज लिए। देखिए दोस्तों, कप्तान और वाइस कप्तान की बात करें तो जो बल्लेबाज है भाई मुझे कोई भी उतना डिपेंडेंट दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए जो है भाई मैंने कप्तान आज के मैच में बनाया है वो बनाया है एंड्रीज नौकिया को, जो कि मेरे भाई कप्तान रहेंगे, और वाइस कप्तान मैंने बनाया है फैफ डुप्लेसिस को। नौकिया जो है भाई डेथ में आएंगे गेंदबाजी करने और काफ़ी अच्छी स्पीड से डाल रही है, काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, तो मैंने कप्तान जो है ना आज के मैच में एंड्रीज नौकिया को बनाया है और वाइस कप्तान जो है इन फॉर्म बैट्समैन फैफ डुप्लेसिस, मैंने इनको बनाया। आप लोग जो है ना एमपीएल पे अपनी टीम बना सकते हो। साथ ही में जो है ना भाई एमपीएल पे इनका एक सीजन पास चलता है, उससे क्या होता है, उससे जो है ना आपको 2 फायदे है। पहला फायदा, एमपीएल पे जो है ना करोड़ों की ग्रैंड लीग चलती है, इसमें जो है ना आप लोग एंट्री ले सकते हो जो कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगी। साथ ही में जो है ना एमपीएल पे लाखों की ग्रैंड लीग चलती है, इसमें भी जो है ना आपको फ्री में एंट्री मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपके सीजन पास के द्वारा। मैंने जो है पास को ले लिया है, अगर आप लोग नहीं लिए हो तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। डिस्क्रिप्शन के लिंक से अभी जो है ना एमपीएल ऐप को डाउनलोड कीजिए, आज से खेलना स्टार्ट कीजिए। एमपीएल पे जो है ना भाई फैंटेसी क्रिकेट खेलने पे यहाँ रोजाना 10 करोड़ तक की विनिंग होती है, तो भाई आपके पास इससे अच्छा मौका नहीं है फैंटेसी में करोड़पति बनने का। दोस्तों बात करते हैं टॉप 3 प्लेयर जो कि इस मैच में अच्छा खेल दिखा सकते हैं मेरे हिसाब से। पहले खिलाड़ी एंड्रीज नौकिया, भाई आपको मैंने बताया है ये खिलाड़ी काफ़ी फॉर्म में भी चल रहा है, गेंदबाजी भी अच्छी कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ये एंड्रीज नौकिया मेरे पहले टॉप पिक रहेंगे। सेकेंड
फैफ डुप्लेसिस। डुप्लेसिस भाई लास्ट में जो है आते आते फॉर्म में आ चुके हैं, तो डुप्लेसिस मेरे नंबर दो खिलाड़ी रहेंगे। नंबर तीन की बात करें तो वो है भाई सर रविंद्र जडेजा। जडेजा भाई गेंदबाजी भी करेंगे, बल्लेबाजी भी करेंगे, फील्डिंग से आपको पॉइंट देंगे, तो कुल मिला के जो है जडेजा एक ओवरऑल कॉम्बो पैक है। तो भाई मेरे हिसाब से जो है तीन प्लेयर नोकिया, डुप्लेसिस और जडेजा ये आज के मैच में अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक MPL ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हो, बहुत कुछ पीछे हो, डिस्क्रिप्शन के लिंक से अभी MPL ऐप को डाउनलोड कीजिए और अभी खेलना स्टार्ट कर दीजिए।